Welcome to our channel, everyone. Hope you guys are doing absolutely fine. This is our urban boy Rohan with you. Hi, this is Raja here. And जैसे हम लोगों ने promise किया था last video में कि आप लोगों को Victoria और भी दिखाएंगे, ठीक है? वैसे ही आपके वादे के मुताबिक हम लोग यहाँ पे पहुँच गए अभी Victoria और भी अच्छे से दिखाने के लिए Victoria को, ठीक है? तो Rohan, आप कुछ बोलना चाहते हो? सबसे पहले तो वीडियो कैमरा क्वालिटी के लिए काफ़ी लोगों ने बोला था हमें, सो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा. एक्चुअली नाइट टाइम हो गया था, सो हम लोग जूम जब भी कर रहे थे तो ब्लर हो जा रहा था. अभी भी हम सेम कैमरा यूज़ कर रहे हैं दोस्तों. अभी हमने कैमरा परचेज करने का प्लान करा है, लेट्स सी कब तक वो खरीद पाते हैं और कब तक आता है वो ऑर्डर. बट इस बार वीडियो में हमने ट्राई करा है कि वो चीज़ ना हो. हम लोगों ने हाँ बहुत कुछ हम लोगों ने कोशिश किया है दिखाने के लिए, जो चीज़ हम लोगों ने कभी यूट्यूब पे नहीं देखा एटलीस्ट कोलकाता के बारे में और विक्टोरिया के बारे में पूरा एक्सप्लोर करने की कोशिश किया है उसको करने के लिए. तो आप लोगों को अच्छा लगेगा. आप लोग वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा भूल जाओ इस बार इस वीडियो पे, थोड़ा सा आप लोग कंटेंट पे ध्यान दीजिए इस वीडियो पे. आई होप कि आपको अच्छा लगेगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. There are 25 galleries in Victoria Memorial. The galleries include the Sculpture Gallery, the Royal Gallery, the Central Hall, the Portrait Gallery, the Arms and Armory Gallery, and the Calcutta Gallery. The other exhibits of the museum include coins, stamps, and maps of those times. हम लोग घूम रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर पे. मेरे पीछे है विलियम सर जी का स्टैचू, सर विलियम विल्सन हंटर.
विलियम चाचा। मेरे पीछे ये मार्वलस डोम है जो कि उस तरफ में होगा, और आगे दिखाते हैं आपको वीडियो। बहुत गर्मी है भाई। सो राइट नाउ वी आर एट द कैफेटेरिया। ये नया खुला है मेरे ख्याल से, पहले नहीं था? नहीं, पहले भी था। पहले था क्या? सबको पता नहीं है इसको। सबको पता नहीं है। सो आप विक्टोरिया मेमोरियल पे आओगे, बाहर का फूड यहाँ पे अलाउ नहीं है, अंदर ही यहाँ पे कैफेटेरिया इन्होंने बना रखा है जहाँ पे हल्का स्नैक्स आइटम है जो आप खा सकते हैं। मैंने अपने लिए ऑर्डर करा है एक एग रोल जो यहाँ पे 30 rupees का मिलता है, और राजा ने ऑर्डर करा है चाउमीन। कितने का है राजा? 45 एक चाउमीन। ओके, सो लेट अस टेक, तब तक आप वीडियो एंजॉय करो। वेल, अगर आपने मेरा स्ट्रीट फूड्स ऑफ कोलकाता वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आई ऑफ बटन पे होगा यहाँ पे, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मैं देता हूँ। सुना था एक ही फैक्ट अबाउट विक्टोरिया, एक ही जो इसमें हम लोग मार्बल यूज़ किया गया है, वो जो ताजमहल में जो मार्बल यूज़ किया गया था वही यूज़ किया गया। उसका नाम पता? मकराना मार्बल। सो इट इज़ द सेम मार्बल विच हैज़ बीन यूज इन ताजमहल एंड इट हैज़ बीन यूज इन विक्टोरिया मेमोरियल एज वेल। यस, बिफोर द विक्टोरिया मेमोरियल वॉज erected, the location housed Presidency Jail, which was later demolished from there and relocated to Alipur to construct the memorial. This massive structure was funded by the Indians as a part of decolonization after 1947. Many of the statues erected by the British all over India were either removed, replaced by the Indian ones, or move to the garden of Victoria Memorial. Guys, let me talk about the facilities which are available over here. यहाँ पे आपको ठंडा drinking water मिल जाएगा, खाने के लिए cafeteria तो है ही, canteen है जो कि staff canteen है, वहीं पे आप भी वो tourist को भी proper खाना food provide करते हैं, but it's just only snack item. Okay, like rolls, chowmein वगैरह हल्का फुल्का item मिल जाएगा, और आपको दो पराठे के साथ सब्जी मिल जाएगी। अराउंड 40 rupees उसका प्लेट का प्राइस है। ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है, बट जस्ट बिकॉज ये पूरा मैदान एरिया है, सो देयर इज लैक ऑफ शेड, जो यहाँ पे चारों तरफ धूप बहुत होती है। सो बेस्ट टाइम टू विजिट दिस इज अर्ली मॉर्निंग या शाम को? नो, शाम को बंद हो जाता है। शाम को एग्जैक्टली बंद हो जाता है। इसका ऑपरेटिंग टाइमिंग क्या है? सुबह मॉर्निंग 5:30 to 6, 5:30 to शाम को 6 बजे तक बस, उसके बाद ये बंद हो जाता है। अभी गर्मी तो आई है, मतलब गर्मी में यहाँ पे आपको कोई सेट नहीं मिलेगा। और अंदर म्यूजियम है, आपको 30 rupees म्यूजियम की टिकट है, 10 rupees गार्डन की टिकट है। म्यूजियम में आपको पूरा ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में, ये वो बंदूक से लेके तलवार वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। क्वीन का ड्रेस वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल है, बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। आप जब आओगे म्यूजियम में विजिट करोगे तो आपको, आप जब देखोगे तो आपको एक, आप सोचोगे कि मैं बैग चला गया 100 साल पूरा हिस्ट्री चले ऊपर हो जाओगे। इतना अच्छा आर्किटेक्चर है, मज़ा आ जाएगा। 5 में से मैं इसको 4.5 देता हूँ। गर्मी की वजह से 5.5 हमने कमा दिया, वरना ये बहुत अच्छी जगह है। और शाम को लाइटिंग के साथ जो मार्बल स्ट्रक्चर है ऑसम हो जाता है देखने को, बट विंटर के लिए सबसे सही जगह है। विंटर में आप आओ, आप पिकनिक्स, आप देखोगे यहाँ पे जो भी गार्डन है, बड़े बड़े गार्डन है, जैसे आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, पूरा गार्डन से भरती है ये जगह।
हाँ, तो क्या होता है कि आप लोग यहाँ पे पिकनिक्स भी कर सकते हो फैमिली लेके। देखने को मिलेंगे रास्ते पे, और साइड में सीमेंटेड रास्ता भी है, पेबल्स में चलने का मजा ही कुछ और है। इस तरफ पे जो है गार्डन, और मेरे पीछे वो है मेन विक्टोरिया मेमोरियल जो अभी म्यूजियम बन चुका है। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। नमस्ते, और डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और एक चीज़ yes. रोहन को बोलना चाहूँगा, हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अभी तक 200 सब्सक्राइबर हम लोग पास किए। या एग्जैक्टली 200 सब्सक्राइबर। थैंक यू सो मच गाइज, सो प्लीज प्लीज सपोर्ट करो हमें। एग्जैक्टली, हम प्यार के भूखे हैं। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर। सो दैट्स ऑल, ईट प्रे स्टे यंग, दिस इज योर अर्बन बॉय रोहन साइनिंग आउट। शेयर कीजिए एंड डू शेयर। या